असलकम मेरा नाम मोहम्मद मसर आजम है और मैं डावा मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एम बी एस का स्टूडेंट हूँ आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन जो कि एम डी कैट में आते हैं इसके साथ साथ ये लेक्चर कॉमन है एम बी बस के स्टूडेंट्स के लिए भी रीज़न इज़ दैट पे के क्वेश्चन एम बी एस में भी आते हैं और डिपेंडिंग ऑन द मॉड्यूल खास तौर पर ब्लड मॉड्यूल जो होता है आपका उसमें क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट डिजीज होती हैं जो एक्स लिंक्ड होती हैं वाई लिंक्ड होती हैं आपको ये पेडिग्री चार्ट के जरिए समझना होता है कि कौन सी डिजीज़ कैसी है मैंने लव्स यूज़ किया पेडिग्री चार्ट ये पेडिग्री है क्या यार पेडिग्री बेसिकली इस तरह का एक चार्ट होता है जो एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है ये फैमिली है पूरी ठीक है इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये मेल को रिप्रेजेंट करता है जो सर्कुलर ये सर्कल जो होता है ये एक फ़ीमेल को रिप्रेजेंट करता है अगर यही जो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको मैं कलर कर दूं तो इसका मतलब है वो अफेक्टेड है लेकिन अगर बिल्कुल क्लियर होगा तो वो नॉर्मल है यानी कि उसको कोई बीमारी नहीं है हाँ वो कैरियर हो सकता है कैरियर क्या होता है यार इज लाइक like, ऐसा बंदा जिसके अंदर वो जम्स वगैरह मौजूद हैं वो जीन्स मौजूद हैं जो उसे बीमार कर सकती हैं बट इतनी सफिशेंट नहीं है कि वो लाइक like, फिनोटाइप में ज़ाहिर हो जाए फिनोटाइप में जाहिर होने का मतलब ये है कि वो इतनी अफेक्टेड नहीं है हाँ वो रिसेसिव जीन्स होंगी ठीक है और कौन सी रिसेसिव डिस इनमें भी फर्क आता है एक एक्स लिंक्ड होती है और एक वाई लिंक्ड होती है तो यानी कि एक ऑडो सामॉल होती है तो उनमें भी फर्क आता है तो एक नॉर्मल मेल हम नॉर्मली जब भी ये क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में तो नॉर्मली कैरियर को रिप्रेजेंट ही नहीं करते किसी तरीके से वो सिर्फ अफेक्टेड और नॉर्मल के दरमियान दिखाते हैं आपको कैरियर खुद समझना होता है कि क्या कैरियर वो है या नहीं है ठीक है सो इट इज़ अ टफ टास्क बट आ आप ने स्ट्रिक कर इस लेक्चर के साथ मे बी थोड़ा लंबा हो जाए बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा आपको डिफाइन करूँगा चीज़ें आखिर में हम कुछ क्वेश्चनस भी करेंगे और एक और वीडियो मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन करूँगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेटिगरी की मैंने बात की कि इस तरह का एक चार्ट होता है जो एक फैमिली को रिप्रेजेंट करता है और शो करता है कि फैमिली में जो जीन्स जा रही हैं और जो बीमारी है उसका क्या लिंक है किससे लिंक है बीमारी और उस बीमारी वो जो ट्रेड है हमारा वो किस तरह से इनहेरिट हो रहा है कौन से वे में हो रहा है ऑटोसोमल डोमिनेंट है ऑटोसोमल रिसेसिव है एक्सलिंग डोमिनेंट है एक्सलिंग रिसेसिव है और वो बीमारी किससे किस में फैल रही है ये भी हम इसको डिस्कस करेंगे सो स्क्वायर विल शो अ नॉर्मल मेल ठीक है अ क्लियर स्क्वायर और कलर्ड स्क्वायर विल शो अफेक्टेड मेल जो सर्कल है इट विल शो अ नॉर्मल फीमेल अगर वो सर्कल में कलर कर देंगे हम उसमें तो वो शो करेगा अफेक्टेड फीमेल को अब ये जो लाइन्स हैं ये हॉरिजेंटल लाइन जो एक स्क्वायर को एक किसे सर्कल से कनेक्ट करिए बीच में ये शो होती है कि इन्होंने मेटिंग की यानी कि ये लोग मैरिड हैं तो ये मेटिंग की है इन्होंने आपस में मीट मेटिंग की है ठीक है और लाइक दे के एम इन विद ईच अदर और ये शो क्या कर रहे हैं दे आर मैरिड ठीक है ये, married, फिर ये जो वर्टिकल लाइन है बिल्कुल नीचे जा रही है और ये फैल जाती है ये वर्टिकल लाइन शो करती है कि ये सारे इनके बच्चे हैं ठीक है ये इनके जनरेशन है ये इनके चिल्ड्रन है तो ये जो लेफ्ट साइड पे होता है वो सबसे बड़ा बच्चा होता है फिर सारे छोटे फिर छोटे छोटे तो लेफ्ट साइड पे पहला बच्चा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ठीक है ये या आपने याद रखना है तो वर्टिकल लाइंस क्या ऑफ स्प्रिंग को शो करती हैं और जो मेटिंग हो ये हॉरिजेंटल लाइन शो करती है ये आपस में इन्होंने लाइक दे मेटेड भी दीजिए जो नीचे वाली लाइन है ये वर्टिकल लाइन जो यूं आ रही है और ये फिर इस तरह फैल जाती है पूरे में जो इस लाइन के अंडर आ रही हैं चीजें इस लाइन के अंडर वो इनके बच्चे हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये सर्कल कनेक्ट हो जाएगा किसी ची� और चीज के साथ यानी कि हॉरिजेंटल लाइन के, के जरिए बीच में वो श, वो निशानी होगी कि इस बड़ी बेटी ने भी शादी कर ली किसी और के साथ ठीक है यानी शादी कर ली किसी के साथ तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन जिसमें हमने इन चार्ट्स को समझा कि कौन सा सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है अब हम इंशाल्लाह टॉपिक में जा रहे हैं और हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को डिटेल में आपने स्टिक लेना है बहुत सारी रिप्रजेंटेशन है मैंने बहुत जगह से लाइक पिक्चर्स उठाइए टू एक्सप्लेन यू ताकि मैं जितना भी ज़्यादा कॉन्टेंट हो मैं ज़्यादा जगह से लाऊँ और आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें ठीक है तो चलें हम करते हैं स्टार्ट वेट सेकेंड मैं दिखा दूँ पहले कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है ठीक okay, है यहाँ से स्टार्ट लेते हैं ओके okay. कुछ बीमारियाँ हैं ऑडोसोमल भी हो सकती हैं और लाइक एक्स एक्सलिंग भी होती हैं हम एक काम करते हैं स्टार्ट करते हैं एक्स एक्सलिंग से बिकॉज एक्स एक्सलिंग बीमारी को पहचानना थोड़ा ईजी है और टू बी वेरी ऑनेस्ट सिंध के एमडिकेट के लिए ठीक है एक्स एक्सलिंग बीमारियाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज सिंध में बेसिकली एक्स एक्सलिंग डिसऑर्डर्स को ही डिस्कस किया गया है लाइक हीमोफीलिया हो गया आपका ठीक है जो कलर ब्लाइंडनेस है वो आपका एक्स एक्सलिंग बीमारी है सो so, अगर हम ये करते हैं

वो बीमारी होगी जो आपके एक्स क्रोमोजोम पे होगी ठीक तो है तो नॉर्मली दो क्रोमोजोम होते हैं ये फीमेल ये मेल का है कि मेल में एक एक्स होता है एक वाई होता है और फीमेल में दोनों एक्स होते हैं ठीक है so, सो जो एक्स एक्सलिंग बीमारी होती है वो आपके इस एक्स क्रोमोजोम पे होती है उसकी जीन इस एक्स क्रोमोजोम पे होती है अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्स एक्सलिंग रिसेसिव का मतलब क्या है यार एक्स एक्सलिंग रिसेसिव का मतलब है कि ये ऐसी बीमारी है कि जिसको होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों जीन्स जो हैं वो अफेक्टेड होंक्सलिंग रिसेसिव का डिग्री में ये शो हमें ये बात हमने याद रखनी है कि एक्स लिंग का मतलब है कि जो एक्स क्रोमोसोम दोनों होंगे ना दोनों एक्स क्रोमोसोम जितने भी हमारे क्रोमोसोम हैं वो अफेक्टेड होने चाहिए दो हैं तीन हैं किसी में या तो किसी में एक है वो अफेक्टेड होगा उसके अंदर वो जीन्स होगी तो हम कहेंगे हाँ उसको एक्स एक्सलिंग डिजीज हो गई है हम मेल की बात करते हैं यार मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है एक वाई क्रोमोसोम होता है जो एक्स एक्सलिंग बीमारी होती है वो तो सिर्फ एक्स पे आती है ना सो so, अगर कोई एक्स एक्सलिंग डिजीज है और मेल में इस एक एक्स एक पे आ गई यहां पे समझो आ गई ये बीमारी ठीक है लेकिन वाई के ऊपर तो आ ही नहीं सकती बिकॉज वाई से उसको कोई ताल्लुक नहीं है तो अगर एक भी एक्स पे आ जाएगी तो उसको मेल को बीमार कर देगी सो फॉर अ मेल टू हैव एक्स एक्स लिंक लिंक रिसेसिव रिसेसिव डिग्री डिजीज उसका एक ही एक्स अफेक्टेड होना काफी है ठीक है तो एक्स लिंक रिसेसिव हो और मेल में एक्स लिंक रिसेसिव होने के लिए जरूरी है कि सिर्फ उसका एक ही एक्स क्रोमोजोम है तो उसके ऊपर एक के ऊपर आ जाए तो काफी है लेकिन फीमेल में देखें तो दो एक्स है और जो जब भी रिसेसिव डिजीज होती है ना तो क्या होता है कि उसका दोनों पे असर अंदाज होना जरूरी है यहाँ एक एक्स है एक और एक्स है दोनों के ऊपर अगर वो ट्रेड आएगी वो जीन आएगी जो कि बीमार करती है तब जाकर फीमेल में एक्सप्रेस होगी देखो मेल में तो एक ही एक्स ना तो एक के ऊपर आ गई देखो बात ये है कि जितने एक है, उन पे एक्स उन उनपे एक्स वाली बीमारी का आना जरूरी है यानी कि उस वाले पे आ जाए अगर दो एक्स हैं तो दोनों पे आना जरूरी है अगर दोनों पे आ जाएगी तो हाँ एक्सलिंग डिजीज़ हो जाएगी अगर एक एक्स है और एक ही पे आ गई तो हाँ उसको भी कर देगी लेकिन फीमेल में तो दो एक्स होते हैं तो फीमेल उस अगर एक फीमेल है और अगर हम देखना चाहते हैं कि वो एक्सलिंग रिसेसिव डिजीज से अफेक्टेड है या नहीं है अगर कोई फीमेल हो सर्कुलर पार्ट उसका और वो अफेक्टेड शो हो रही है और हमें पता है कि वो एक्स लिंक डिजीज़ है एक्स लिंक रिसेसिव है हमें पता है कि कोई बीमारी है एक्स लिंक रिसेसिव और वो फीमेल में एक्सप्रेस हो रही है यानी कि फीमेल को भी हो रही है इसका मतलब है उसके दोनों एक्स क्रोमोजोम अफेक्टेड थे दोनों एक्सक्रोमोजोम के ऊपर बीमारी थी इसीलिए वो इस फीमेल में भी एक्सप्रेस हो गई सो फॉर लिंक्ड रिसेसिव डिजीज टू अकर बोथ द एक्स क्रोमोजोम नीड टू बफेक्टेड दोनों एक्स क्रोमोजोम के ऊपर उसका जीन होना जरूरी है बिकॉज रिसेसि डिग्री रिसेसिव डिजीज के लिए रिसेसि डिजीज उसी वक्त ही एक्सप्रेस होती है अगर दोनों के ऊपर उसके क्रोमोजोम दोनों क्रोमोजोम के ऊपर उसके जीन्स मौजूद हों होगी एक्सलिंग रिसेसि डिग्री तो एक्सलिंग रिसेसिव डिजीज की कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है वो क्या है वे है कि जो एक्सलिंग डिजीज होती है पर डिग्री में रेयर होती है बहुत कम हमें शो होती है लेकिन सिंध वाले बच्चों के लिए बहुत कॉमन होगी है ठीक है तो ट्रेड इज़ रेयर इन पेडिग्री खास बात यह है जितनी भी आपकी रिसेसिव डिजीज़ होंगी मैं ऑडोसो रिसेसिव भी पढ़ाऊँगा जितनी भी आपकी रिसेसिव डिजीज़ होंगी वो क्या करेंगी जनरेशन को स्किप करेंगे जनरेशन का मतलब क्या है यानी इन दोनों ने शादी की आपस में और ये इनके बच्चे हुए ये जो इसके अंडर आ रहे हैं यहाँ तक ये इनके अपने बच्चे हैं और ये हॉडिजेंटल लाइन शो करिए इसने शादी कर ली ये तो फिर दूसरी शादी हो जाएगी बट इनके बच्चे कौन से हैं ये 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 और ये ये भी मैरिड है ये भी यहाँ इससे मैरिड है ये बाहर से आया है कोई और ये भी बाहर से आया ठीक है और ये भी बाहर से आया जो इनके अपने बच्चे हैं तो जो इनके अपने बच्चे होंगे ना वो जनरेशन एक्स रिसेसिव डिजीज में अगर कोई रिसेसिव डिजीज है तो अपने बच्चों में वो जनरेशन स्किप भी कर सकती है या लाइक कोई सवाल आए और पूरे सवाल में हर कोई अनफेक्टेड नज़र आया तुम्हें हर कोई सिबलिंग जो इन्हीं का बच्चा हो लेकिन वो अनफेक्टेड नजर आए क्या माँ बाप को बीमारी है क्या माँ बाप में किसी एक को भी बीमारी है बट उसके जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो अनएफेक्टेड हैं तो ये शो करेगा कि ये रिसेसिव डिजीज़ है क्या माँ बाप बीमार हैं कोई भी बच्चा बीमार नहीं है ये क्या शो करेगा वो रिसेसिव डिजीज है क्या रिसेसिव डिजीज़ है ये याद रखना है आपने वो ऑडोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है एक्सलिंग रिसेसिव भी हो सकती है जब मैं ऑडोसोमल रिसेसिव पढ़ा दूंगा दोनों में फर्क भी बताऊंगा ठीक है बट फॉर एक्सलिंग फॉर रिसेसिव डिजीज़ जनरेशन स्किप करेंगी ठीक है मैं एक्स लिंग की बात करूं तो यार एक्स लिंग में देखो यहां पर मेल अफेक्टेड है अगर मेल अफेक्टेड है लेकिन इसके किसी भी बच्चे को बीमारी नहीं हुई जो एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज होती है ना जो एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज होती है वो अफेक्टेड फादर से उसके बेटों में नहीं जाते लिंक रिसेसिव अगर बाप लिंक रिसेसिव है तो उसके बेटे को कोई बीमारी नहीं होगी रीजन क्या है ये बाप है एक्स वाई जब ये इसका बेटा पैदा होगा ये अपने बेटे को वाई क्रोमोसोम देता है फादर और मदर से आता है एक्स क्रोमोसोम सो सॉरी सो अगर ऐसा हो कि एक फादर वाई क्रोमोसोम दे रहा है और फादर का वाई क्रोमोसोम नॉर्मल है मदर से एक्स क्रोमोसोम आया और वो भी नॉर्मल था तो जो उसका बेटा होगा वो भी नॉर्मल होगा जो तो होता क्या है जो अफेक्टेड फादर हैं जो अफेक्टेड फादर हैं वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज को अपने बेटों को नहीं देते तो कभी भी देखो कि एक बाप बीमार है और उसके बच्चे नॉर्मल हैं। बाप बीमार है उसके बच्चे नॉर्मल हैं। तो समझ जाना कि एक्स एक्सलिंग रिसेसिव हो सकता है ठीक है अफेक्टेड फादर डू नॉट पास टू दियर सन्स लेकिन अगर हम कहें कि मदर है और एक्स एक्सलिंग रिसेसिव डिजीज से अफेक्टेड है इसका मतलब है मदर है और ये एक्सलिंग ये मदर है और एक्सलिंग रिसेसिव डिजीज है अफेक्टेड है इसका मतलब इसका दोनों क्रोमोजोम अफेक्टेड है जब ये अब इसके बच्चे पैदा होंगे ये एक बेटी हुआ एक बेटा और एक और बेटी और एक और बेटा तो क्या होगा और इससे शादी की अब इसके कई केसेस बन सकते हैं ये आप हीमोफीलिया का जो एक आपके डिजीज़ है फॉर सिंध स्टूडेंट्स उनमें ये बात आप देखती हो कि किस तरह ये डिजीज़ फैलती है मैं काम करूँगा उसकी वीडियो भी अपलोड करूँगा इसके बाद बट पहले मैं डिग्री एक्सप्लेन कर दूँ देन मैं हीमोफीलिया को भी डिस्कस करूँगा कि कैसे एक एक्सलिंग डिजीज़ फैलती है उसको आपने आपने फिर ये चार्ट्स बना के चेक करना होता है कि किस तरह फैलेगी तो वो आपको पॉइंट्स याद भी हों तो यहाँ पर भी काम आते हैं वो तो ये मदर है अफेक्टेड है और एक्स लिंग डिजीज से अफेक्टेड है यानी इसके दोनों क्रोमोजोम ही अफेक्टेड है फिर जब ये बच्चे पैदा होंगे तो अपने एक बेटे को ये एक्स देगी फादर से वाई आएगा ठीक है और फिर क्या होगा ये उसकी बेटी को एक एक्स ये देगी और एक इसका फादर देगा बेटे को एक एक्स ये देगी और एक वाई फादर देगा और ये बेटी को एक्स दोनों एक फादर और एक मदर अगर इसका बाप नॉर्मल था तो बाप तो बिल्कुल नॉर्मल है तो यहाँ से कोई मसला नहीं आएगा यहाँ से वाई पे तो आएगा ही नहीं ये यहाँ से भी कोई मसला नहीं आएगा और यहाँ तो भी कोई मसला नहीं आएगा अब ये बेटी है इसकी माँ ने माँ बीमार थी उसने बेटी को दे दिया एक्स लिंग डिजीज है माँ बीमार है और इसने बेटी में भी एक जीन ट्रांसफर किया है तो क्या बेटी बीमार होगी नहीं होगी क्यों क्योंकि एक फादर से जो एक्स क्रोमोजोम आया है और हम सपोज कर रहे हैं उसका फादर नॉर्मल था तो उसकी बेटी भी नॉर्मल रहेगी हाँ कैरियर जरूर होगी कैरियर का मतलब है उसका एक क्रोमोजोम अफेक्टेड है हाँ आगे कभी ना कभी जाकर ये किसी को अफेक्ट जरूर कर सकता है ठीक है या बेटे की बात करें तो बेटे में फादर से आया वाई और मदर से आया एक्स जो कि अफेक्टेड था तो बेटा बीमार हो जाएगा रीजन क्या है एक ही एक्स है और एक ही बीमारी वाला है तो उसको बीमार कर देगा यहाँ पर भी यही होगा कि बेटा बीमार हो जाएगा एक ही एक्स मदर से आया जो माँ अफेक्टेड थी दोनों एक्स अफेक्टेड एक थे तो जो एक एक्स आएगा वो भी अफेक्टेड वाला होगा वाई नॉर्मल था तो एक्सलिंग डिजीज के लिए एक एक्स का बीमार होना काफी है तो ये पूरा बेटा बीमार और यहाँ पर जो इसकी बेटी है ये भी कैरियर तो दोनों बेटियां कैरियर हैं यहाँ पर और बेटा बीमार है तो ये किसकी निशानी होती है कि जब एक माँ है उसको एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है और उसको बीमारी है तो जो अफेक्टेड फीमेल है मैरी कर ले किसी नॉर्मल मेल के साथ अफेक्टेड फीमेल एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है और अफेक्टेड फीमेल ने शादी की है एक नॉर्मल मेल के साथ नॉर्मल मेल जिसको एक्स लिंक की बीमारी नहीं थी तो एक्सलिंग डिजीज़ इस तरह फैलेगी कि उसके सारे बेटे बीमार हो जाएंगे तो याद रखना है कि जो एक्सलिंग रिसेसिव डिजीज़ है ना वो मदर से उसके बेटों को हो जाती है माँ है माँ को एक्सलिंग रिसेसिव डिजीज है हम ये क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे कि एक माँ है और उसको एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ है माँ अफेक्टेड है एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ से तो उसके सारे बेटे बीमार होंगे क्या तो माँ है उसको एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ है तो उसके सारे बेटे बीमार होंगे ये तो तो आपने जहन में बना लेना है माँ है माँ को एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ है उसके सारे बेटे बीमार होंगे और उसकी जो बेटियाँ हैं वो कैरियर हो जाएंगी अगर हाँ लेकिन कैरियर कब होंगी अगर उनका बाप नॉर्मल है लेकिन माँ भी बीमार है बाप भी बीमार है माँ भी बीमार है बाप भी बीमार है और दोनों एक्सलिंक रिसेसिव से बीमार हैं तो फिर माँ उनके सारे सारे बच्चों को होंगी यानी कि उनकी जो डॉटर्स विल बी अफेक्टेड एज वेल एज सेंस अगर दोनों बीमार हैं है एक्सलिंग रिसेसिव लेकिन दोनों बीमार हैं उसका सिनेरियो क्या बनता है यार अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ऐसे बनेगा हालांकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो बट मैं चलो बता ही देता हूँ पहले हम इरेज करते हैं इसको तो देखें ये जो एक्सलिंग रिसेसिव डिजीज हैं और इनका किस तरह ये इनहेरिट होती हैं ये देखें लंबा टॉपिक होता है बट पेडिग्री में इस बात को ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया जाता बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बेसिक्स भी क्लियर कर दूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो किसी और वीडियो पे जाने की जरूरत ना पड़े बट इन सून आई विल अपलोड अ वीडियो जिसमें यह मैं बताऊँगा कि बीमारी किस तरह फैल रही होती है मैं यहाँ पर भी हल्का सा आपको दोबारा एक्सप्लन करने की कोशिश करता हूँ अब देखें मैं बात कर रहा था कि एक ये फीमेल है उसके दोनों अफेक्टेड हैं और एक ये मेल है वो भी अफेक्टेड है और उनको एक्सलिंग बीमारी है इसको ये भी अफेक्टेड है ये भी अफेक्टेड है और ये भी अफेक्टेड है जब इनके बच्चे पैदा होंगे ये एक मेल पैदा हुआ एक फीमेल ये एक और फीमेल और एक और मेल तो एक एक्स मेल के लिए फीमेल मेल के लिए एक्स माँ से आएगा बीमारी वाला और फादर से वाई आएगा नॉर्मल वाला लेकिन एक एक्स है एक बीमारी वाला है तो ये बेटा भी बीमार अब ये बेटी की बात करते हैं एक एक्स नॉट जो बीमारी वाला है माँ से आया एक्स नॉट एक बाप से आया बाप को बीमारी थी रिसेसिव फादर माँ को भी थी तो ये भी अफेक्टेड हो गई सेम यहां पर होगा और सेम यहाँ पर होगा ठीक है तो दिस इज हाउ दिस डिजीज विल बी अफेक्टेड याद रखो एक बेटे को बीमार करने के लिए एक्सलिंग रिसेसिव डिजीज से माँ का बीमार होना काफ़ी है माँ बीमार है ठीक है एक्सलिंग रिसेसिव डिजीज से माँ बीमार है और बेटे में एक भी वो भेज दे तो क्या होगा बेटा बीमार हो जाएगा एक होता है ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव में अगर अगर वो भी रिसेसिव डिजीज ही है लेकिन उसमें क्या होता है कि बेटे में एक एक्स एक जो होता है वो रिसेसिव वाला आ जाता है एक्स नहीं खैर वो ऑटोसोमल इसका मतलब है वो एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता तो उसके दो क्रोमोजो में समझो एक ए है और एक बी है ठीक है तो फिर क्या होगा कि अगर ये बीमारी एक्स एक्सलिंग सॉरी ये रिसेसिव डिजीज है ऑटोसोमल और बेटे में उसका एक जीन आ गया लेकिन दूसरा जीन नॉर्मल में आया तो बेटा बीमार नहीं होगा सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में अगर माँ बीमार थी तो हो सकता है बेटा बीमार ना हो माँ बीमार थी और उसका बाप नॉर्मल था ऑटोसोमल रिसेसिव में तो हो सकता है बेटा बीमार ना हो ये, ये डिपेंड करता है कि वो डिजीज़ इनहेरिट किस तरह होगी मैं इसको ही कह रहा हूँ इनकी वीडियो इन अपलोड करूंगा सोन बट फॉर एमडिकेट आपके लिए यही समझना काफ़ी है ठीक है तो या हम अगर रिवाइज करें तो एक्सलिंग रिसेसिव डिजीज ऐसी है कि एक रिसेसिव रिसेसिव का मतलब है कि कहीं पर भी आपको जनरेशन स्किप होती नजर आए सारी डोमिनेंट बीमारियाँ जहन से निकाल लो समझो ये रिसेसिव वाली बीमारी होगी ठीक है फिर अगर वो एक्स एक्सलिंक रिसेसिव डिजीज है और माँ को है तो सारे बेटों को हो जाएगी एक्स एक्सलिंक रिसेसिव डिजीज है माँ को है तो सारे बेटों को हो जाएगी मैंने दिखाया था आपको किस तरह होगी इसी तरह अगर एक्स एक्सलिंक रिसेसिव डिजीज है और फादर को है एक्स एक्सलिंक रिसेसिव डिजीज है और फादर को है तो फादर से बेटे में बीमारी नहीं जाती बिकॉज फादर जो है अपने बेटे को वाई देता है एक्स देता ही नहीं है सो so, हाँ मदर कैन पास एन एक्स लिंक डिजीज टू इट हिज टू इट्स सन एक माँ एक्सलिंग डिजीज अपने बेटे को दे सकती है हमने देखा कैसे कि अगर माँ को बीमारी है एक्सलिंग तो अपने सारे बेटों को बीमार कर देगी लेकिन अगर बाप को बीमारी है एक्सलिंग वाली तो अपने बेटों को बीमार नहीं करेगा क्या वो अपनी बेटियों को बीमार करेगा डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन मदर कि मदर कैरियर है या कैसी है तो उस पर डिपेंड करता है और ये हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्वेश्चन करेंगे बट फॉर नॉ अगर माँ बीमार है लाइक like, अगर फादर अगर एक चलो ये वाला केस डिस्कस करते हैं यहाँ एग्जाम्पल दी भी गई है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि यू शुड बिकम एक्सपर्ट इन दीज क्वेश्चन ठीक है मेरी यही कोशिश है वीडियो लंबी होगी ऑब्वियसली लंबी जाएगी पैडिगरी इतना आसान नहीं है यह को समझना ठीक है टू बी वेरी ऑनस्ट अपने टाइम पे मुझे भी बहुत मसला हुआ था और आई गेस मैंने स्किप कर दिया था ये पार्ट बट मैंने ही चाह रहा कि आप लोग कुछ भी स्किप करें यू शुड बी परफेक्ट इन दीज क्वेश्चन तो मैं यहाँ से ना इस डिजीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ ये एक्सलिंग एक्सलिंग रिसेसिव डिजीज़ है और ये फादर को है फादर देखो पहले समझते हैं अगर हमारे सामने बोर्ड में ये क्वेश्चन आ गया तो हम इसको कैसे डील करेंगे हम देखेंगे एक जनरेशन पूरी स्किप हो गई है तो हम बोलेंगे यार ये रिसेसिव डिजीज है सवाल पैदा ये होता है क्या ये एक्सलिंग रिसेसिव तो है क्या ये ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्सलिंग रिसेसिव है वो हम इस चार्ट को पढ़ के करेंगे कैसे अगर हम कहते हैं कि ये एक्स सबसे पहले हमेशा बीमारियों को ना एक्सलिंग से चेक किया करो हमने कहा ये रिसेसिव है हम बोलेंगे क्या ये एक्सलिंग रिसेसिव है या नहीं है मैं कहता हूँ ये एक्स रिसेसिव है अगर एक्स अच्छा रिसेसिव एक और एक और यहीं पे समझ आ जाएगा आपको मैं कह रहा हूँ ये रिसेसिव है रिसेसिव है क्योंकि इसने जनरेशन को स्किप किया है रिसेसिव है और जनरेशन को स्किप किया है इसका मतलब है जो तो फादर है अब यहाँ बाप को देखो बाप बीमार है अरे रिसेसिव है बाप बीमार हो गया अगर रिसेसिव हो और बाप बीमार हो रहा हो लाइक मेल बीमार हो रहा हो इसका मतलब है वो एक्स एक्सलिंक रिसेसिव होगी रिसेंट देखो यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा क्यों एक्स एक्सलिंग रिसेसिव होगी रीजन इस सिंपल ना एक ही एक्स है और वो बीमार हो गया है दूसरा तो नॉर्मल होगा ना उसका तो यानी कि एक्स एक्सलिंग बीमार था उसका एक, एक एक्स बीमार था वाई तो था ही लेकिन वो नॉर्मल था तो ये बीमार उसने इस बाप को बीमार कर दिया लेकिन बाप ने किसी को भी बीमार नहीं किया उसका रीज़न क्या है कि बाप ने किसी को बीमार क्यों नहीं किया मैं उसको एक्सप्लेन करूँ इस तरह होगा कि बाप के पास था एक्स और वाई और हम सपोज करते हैं यहाँ माँ नॉर्मल थी अगर माँ नॉर्मल थी तो फिर क्या होगा माँ थी एक्स एक्स ये नॉर्मल थी एक एक्स और एक माँ का एक्स आया बेटी पैदा हुई एक्स नॉट एक्स वाली और एक एक्स पे एक एक्स एक नॉर्मल है तो बेटी जो है नॉर्मल है देखो ये नॉर्मल है बेटी अब एक और एक्स एक नॉट जाएगा और इस एक्स के साथ जो एक और बेटी पैदा होगी वो भी नॉर्मल होगी ये बेटी भी इसकी नॉर्मल हो गई अब बेटे की बात करते हैं बाप था एक्स नॉट था बाप ने अपने बेटे को वाई दिया और माँ ने एक्स दिया तो बेटा पैदा होगा वो भी नॉर्मल होगा ठीक है यहाँ पर देखो जो इनकी बेटियाँ हैं वो कैरियर ज़रूर हैं क्या बेटियाँ जो आ रही हैं इसकी वो कैरियर हैं उनके अंदर ये बीमारी वाला जम मौजूद है लेकिन बीमारी शो नहीं हो रही बिकॉज रिसेसिव है रिसेसिव बीमारी उस वक्त शो होती है जब दोनों एक्स अफेक्टेड हो तो जो बेटे पैदा होंगे बेटे को खुद ये बीमार फादर जो है वो वाई देगा और माँ जो है नॉर्मल एक्स देगी जब नॉर्मल एक्स देगी तो एक वाई मिलेगा एक एक्स मिलेगा तो दोनों वाई तो नॉर्मल था एक्स माँ वाला नॉर्मल था तो बेटे जो होंगे वो भी नॉर्मल होंगे तो दिस इज हाउ डिजीज विल बी गोइंग ऑन अब हम यहां देखते हैं अब माँ जो थी माँ को बीमारी थी कौन सी बीमारी खैर माँ कैरियर थी और माँ ने बीमारी इस तरह फैलाई कि उसने अपने बेटे को बीमार कर दिया बेटे को बीमार कर दिया तो कोई बीमारी माँ से बेटे में जा रही है वो एक्स लिंक्ड ही होती है और बाकी किसी बेटे को नहीं हुई यानी कि माँ ने सिर्फ बेटे को दी है माँ ने सिर्फ बेटे को बीमार किया है माँ अगर सिर्फ बेटे को बीमार कर रही है समझ जाना एक्स एक्सलिंक रिसेसिव ही है एक्स एक्सलिंक डोमिनेंट बाप से भी सन में आती है बट बात करें खैर माँ से बाप से सन में नहीं आती बट हां मदर से सन में जरूर आती है एक्सलिंक डोमिनेंट सो so, यहाँ पर एक्सलिंग रिसेसिव थी और इसने अपने बेटे को बीमार किया इसके कई सीनेरियज हो सकते हैं तो अगर आपकी बीमारी देखो और उसमें देखो कि, कि ज़्यादातर मेल ही अफेक्टेड है खैर कोई और अफेक्टेड नहीं है बल्कि सिर्फ मेल ही अफेक्टेड है तो समझ जाना वो एक्सलिंग रिसेसिव है बिकॉज एक वाई बीमारी होती है वायलिंग उसमें सिर्फ मेल अफेक्टेड होते हैं बट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो आप वायलिंग वाली बीमारी को छोड़ दो ठीक है अब यहाँ पे ही फोकस रहो कि एक्सलिंग बीमारी थी और वो ट्रांसफ़र इस तरह हुई है कि उसने क्या किया है सारे मेल्स अफेक्टेड हैं एक्स लिंग रिसेसिव डिजीज ओनली अफेक्ट्स क्या मेल्स एक्स लिंग रिसेसिव डिजीज ओनली शोस इन मेल्स ही आपने याद रखना है जनरेशन भी स्किप करती है इसके बाद मैंने की सो मेल आर मोर ऑफन अफेक्टेड देन फीमेल फीमेल भी अफेक्ट हो सकती हैं बट मेल आर मोस्टली अफेक्टेड फीमेल का अफेक्ट होंगी अगर माँ को भी पूरी तरह बीमारी है दोनों माँ पूरी तरह अफेक्टेड है एक्स एक्स और बाप भी अफेक्टेड है तब मैंने केस आपको समझाया कि माँ भी बीमार हो बाप भी बीमार हो तो सारे बच्चे बीमार पैदा होंगे तो एक्सलिंग रिसेसिव पेडिग्री थी हमने इसको डील कर लिया इतने ही क्वेश्चन आते हैं इससे तो पूछेंगे कि कौन सी बीमारी किससे फैली है यू विल गेट परफेक्ट इन इट जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगर हम बात करें एक्स एक्सलिंग डोमिनेंट पेडिग्री की तो एक्स एक्सलिंग डोमिनेंट पेडिग्री में क्या होता है यार इसके हम बात करें तो ट्रेड इज कॉमन ये कॉमन है जो एक्स एक्सलिंग डोमिनेंट होती है ना जो बाप बीमार बाप होता है वो अपने सारी डॉडर्स को पास कर देगा कैसे हम यहां देखते हैं कि एक्सलिंग डोमिनेंट है एक्सलिंग डोमिनेंट का मतलब है दो एक्सों और एक भी एक्स पे आ जाए ना तो दूसरे वाले एक्स को भी ये बीमारी करा देगा यानी कि एक्स लिंग डोमिनेंट का मतलब ये है कि अगर एक भी एक्स के ऊपर ये बीमारी आ जाए तो दूसरा जो तो पूरा का पूरा बंदा है वो बीमार के एक भी एक्स पे आ जाए तो पूरा का पूरा बंदा बीमार हो जाएगा तो दिस इज एक्सलिंग डोमिनेंट कि एक भी एक्स पे बीमारी एक्सप्रेस हो जाए तो पूरे बंदे को बीमारी कर देगी अगर हम यहाँ बात करें कि समझो फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को देखो कि यहाँ पर मेल अफेक्टेड है हम समझते हैं हम जब भी क्वेश्चन करते हैं हमारा सिनेरियो क्या होता है वो ये होता है कि हम देखेंगे कि एक्स एक्सलिंग है या नहीं है और एक्सलिंग रिसेसिव है डोमिनेट है मैं कहता हूँ ये है एक्सलिंग रिसेसिव अगर एक्सलिंग रिसेसिव बीमारी है तो बाप से कभी भी बेटियों में नहीं जाएगी क्या अगर एक्सलिंग बीमारी है हम बोलेंगे क्या रिसेसिव है देखो बाप बीमार है बिल्कुल बाप बीमार है रिसेसिव में बाप को बीमार होने के लिए एक भी एक ही चाहिए होता है ना चलो हम कहते हैं रिसेसिव है और बाप बीमार है लेकिन बाप अपनी बेटियों को नहीं देता रिसेसिव हमने यहाँ पे देखा क्योंकि जब बेटी होगी ना उसमें एक बाप का एक्स जाएगा एक माँ का जाएगा और माँ यहाँ नॉर्मल है तो यहाँ माँ नॉर्मल है इसका मतलब है माँ से इसको बीमारी नहीं जाएगी बाप से जाएगी और बाप से एक ही एक्स जाएगा और रिसेसिव वाला था तो बीमार नहीं करेगा बट अगर बाप बीमार है और सारी बेटियों को बीमार कर रहा है वो एक्स डोमिनेंट है दैट्स इट बाप बीमार है सारी बेटियां बीमार हैं एक्स डोमिनेंट है अब यहां देखो मां बीमार है मां ने बेटे को भी बीमार कर दिया और बेटी को भी लेकिन सारे नहीं आधे माँ एक्सलिंग डोमिनेंट डिजीज से बीमार हुई यानी कि उसकी बेटी थी उसने शादी की तो बीमार उसके बच्चे पैदा हुए उनमें क्या था जो आधे बच्चे थे इसके वो बीमार थे और आधे नॉर्मल थे यानी हाफ मेल अफेक्टेड थे हाफ फीमेल अफेक्टेड थे वो भी एक्सिलिंग डोमिनेंट की निशानी है यार ये कैसे हुआ होगा ये ऐसा हुआ होगा अब समझो यहाँ पर ये यह और हाँ जो डोमिनेंट बीमारी होती है कभी भी वो जनरेशन स्किप नहीं करेगी डोमिनेंट देखो यहां पर हर हर जनरेशन में किसी ना किसी को बीमारी जरूर है तो डोमिनेंट में कोई जनरेशन स्किप नहीं होती रिसेसिव में जनरेशन स्किप हो जाती है ठीक है यहाँ फादर बीमार था उसने सारी बेटियों को बीमार कर दिया ये निशानी है कि बीमारी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है अब यहाँ मां बीमार थी तो उसने क्या किया बेटों को और बेटी को इक्वली बीमार किया ठीक है और जरूरी नहीं है सबको एक्स लिंक डोमिनेंट जो होती है वो सारे बच्चों को बीमार नहीं करती जरूरी नहीं होता कुछ ना कुछ बच्चे नॉर्मल भी हो जाते हैं लेकिन जो बीमार होंगे अगर एक्स लिंक डोमिनेंट है तो आधे बच्चे जो होंगे लाइक आधे मेल आधे फीमेल इफेक्टेड होंगे ठीक है और ये आप कैसे आप ये ड्रॉ खुद करके ये ड्रॉ करके आप चेक कर सकते हो इसकी आप क्या करो सपोज करो ये मेल फीमेल नॉर्मल है यानी कि फीमेल के जो एक्स हैं वो बिल्कुल ठीक है आप मेल बनाओ ये एक्स नॉट वाला और वाई वाला और करके देखो और तुम देखोगे कि एक भी एक्स पर जब भी ये बीमारी आएगी तो वो एक्सप्रेस हो जाएगी ये तुम ये आप लाइक यू हैव टू परफॉर्म दिस अगर फिर भी कोई इशू होता है डू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इन शाह सो so, अब यहां देखते हैं अब यहां माँ बीमार थी खरीब देखो और एक और बात एक और बात जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपने हमेशा याद रखनी है जो यहाँ पर भी लिखी नहीं गई बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ठीक है और वो क्या है वेट सेकंड, सेकेंड अ सेकेंड ओके यहाँ देखो ये मेल भी नॉर्मल है फीमेल भी नॉर्मल है देखो एक्स लिंग कोई भी डोमिनेंट बीमारी होती है ना डोमिनेंट बीमारी अगर माँ बाप नॉर्मल हैं तो बच्चे कभी भी बीमार नहीं होंगे भाई डोमिनेंट का मतलब यही होता है एक ना एक बी एक ना एक बीमारी वाला जीन तो आपके अंदर होना था तो यहां पर यानी कि अगर माँ और बाप दोनों नॉर्मल हैं यानी कि दोनों के अंदर एक भी बीमारी वाला जीन नहीं है अगर एक भी बीमारी वाला जीन नहीं है तो बच्चे में एक भी बीमारी वाला जीन नहीं जाएगा और बच्चे नॉर्मल होंगे सो एक और इंपॉर्टेंट बात वो ये है डोमिनेंट की ठीक है डोमिनेंट की इंपॉर्टेंट बात यह है चाहे वो ऑटोसोमल डोमिन हो एक्सिंग डोमिनेंट हो सिंध वालों के लिए एक्सिंग डोमिनेंट ही इंपॉर्टेंट है ये है कि अगर माँ बाप नॉर्मल हैं और हम चेक करना चाह रहे हैं डोमिनेंट है नहीं है अगर माँ बाप अन होंगे तो उनके बच्चे भी अन होंगे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बच्चे अफेक्टेड हैं और उनके माँ बाप नॉर्मल हैं और हम कहें ये डोमिनेंट बीमारी है ऐसा कभी भी नहीं होगा ये बात आपने याद रखनी है कि अगर बच्चे बीमार हैं और हम कहेंगे वो बीमारी डोमिनेंट है तो माँ और बाप में एक ना एक को बीमारी बीमारी का होना ज़रूरी है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्ट के लिए कि अगर बच्चे बीमार हैं यहाँ देखो ना ये बच्चे बीमार थे तो उनके माँ बाप में बाप को बीमारी थी तो बाप, बाप को एक्सलिंग डोमिनेंट थी और एक्सलिंग डोमिनेंट हमेशा फादर से उसकी बेटियों में जाती है अगर एक्सलिंग डोमिनेंट बीमारी है और एक बाप और बाप बीमार है तो एक्सलिंग डोमिनेंट बाप हमेशा अपनी बेटियों को बीमार करेगा यहाँ एक्सलिंग डोमिनेंट बाप था उसने बेटियों को बीमार किया एक्स यहाँ पर देखो एक्सलिंग डोमिनेंट बाप था इन दोनों ने शादी की आपस में और जो इनके बच्चे पैदा हुए उनमें सारी बेटियाँ इसकी बीमार थी तो एक्सलिंग डोमिनेंट बीमारी हमेशा अफेक्टेड फादर से सारी उसकी बेटियों में जाएगी सारी बेटियाँ बीमार कर देगा एक्सलिंग डोमिनेंट बाप ओके और अगर डोमिनेंट की बात करें तो डोमिनेंट जनरेशन को स्किप नहीं करती ये बात आपको मैंने बताई और मैंने क्या बताया मैंने ये भी बताया कि अगर कोई डोमिनेंट बीमारी है और माँ बाप नॉर्मल हैं तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो भी नॉर्मल होंगे हाँ एक्सलिंग सॉरी रिसेसिव के लिए जरूरी नहीं होता रिसेसिव के लिए हो सकता है कि माँ बाप नॉर्मल हो लेकिन बच्चे बीमार हो जाएंगे लेकिन डोमिनेंट के लिए अगर बच्चे भी बीमार हैं और माँ बाप नॉर्मल हैं तो डोमिनेंट कभी भी नहीं होगी ये मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता के जा रहा हूं क्या कि अगर बच्चे नॉर्मल हैं और माँ बाप भी नॉर्मल हैं तो ये ऑटो ये डोमिनेंट की निशानी है लेकिन अगर बच्चे बीमार हैं और मां बाप नॉर्मल हैं बच्चे बीमार हैं और माँ बाप नॉर्मल हैं ये निशानी होती है रिसेसिव की ये किसकी निशानी होती है रिसेसिव की यहां देखो माँ बाप नॉर्मल थे एक बच्चा बीमार हो गया लेकिन बच्चों में कोई ना कोई बीमार तो हुआ ना ये रिसेसिव डिजीज थी या नहीं थी बिल्कुल थी यहाँ खैर यहां पर तो नहीं हुई हाँ हो सकता है इनके कोई हो सकता है देखो कैरियर में होता है ना ये यहां पर नहीं हुई पर जरूरी नहीं है कि हर उसमें हो थिंग इज दैट कि अगर कोई आपको बच्चा बीमार होता हुआ नजर आए और माँ बाप नॉर्मल हों तो अगर बीमारी होगी तो वो रिसेसिव वाली होगी हो सकता हो है ना भी फैले बट अगर बच्चों को बीमारी है और माँ बाप नॉर्मल हैं तो इसका मतलब है वो रिसेसिव वाली बीमारी है अगर दोनों बीमार नहीं है तो वो कई सिनेरियो बन सकते हैं उसके बट फॉर चिल्ड्रन टू हैव अ डिजीज एंड देयर पेरेंट्स आर नॉर्मल इसका मतलब है वो रिसेसिव वाली बीमारी है बट अगर बच्चे नॉर्मल हैं मां बाप भी नॉर्मल हैं तो ये कौन सी बीमारी होगी ये डोमिनेंट बीमारी होगी डोमिनेंट बीमारी में मां बाप और बच्चों दोनों में बीमारी का होना जरूरी है ठीक है और हो सकता है कि उनका एक बच्चा नॉर्मल पैदा हो जाए बट अक्सर को बीमारी होगी जनरेशन स्किप नहीं करता ना ये बीमारी जो तो डोमिनेंट बीमारी वो जनरेशन को स्किप नहीं करती सो so, स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक जिस जिसमें मैंने एक्स एक्सलिंग रिसेसिव पैटेगरी और एक्स एक्सलिंग डोमिनेंट पैटेगरी को डिस्कस किया वीडियो लंबी हो गई है इसलिए जो मैं ऑटोसोमल वाला पार्ट है वो बाद में कराऊंगा ठीक है और फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या सीनेर बनते हैं क्या केस बनते हैं ठीक है अच्छा यहाँ एक क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं ठीक है ये हमें बताना है कि कैसे बीमारी है नीचे आंसर मौजूद है बट मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा सबसे पहले हमारे सामने फॉर छोड़ दो यार आंसर को अब क्वेश्चन पे फोकस करो हमारे सामने क्वेश्चन आया हमने देखना है ये सबसे पहले आपने चेक करना होता है एक्स लिंक्ड है या नहीं है ठीक है आप रिसेसिव से स्टार्ट लेते हैं हमेशा या डोमिनेंट से भी ले लो बट हम रिसेसिव से लेंगे ओके okay, सो so हम एक्स एक्सलिंक रिसेसिव से स्टार्ट करते हैं बाप बीमार है बाप बीमार अच्छा देखो सबसे पहली बात क्या ये बीमारी डोमिनेंट है या सवाल यह है या ये डोमिनेंट है रिसेसिव है जनरेशन स्केप्ड बीमारी रिसेसिव ओके सिंपल अब चेक करते हैं कि जो बीमारी है और यहां भी देखो ठीक है अगर ये डोमिनेंट बीमारी होती ना तो अगर माँ बाप में से किसी को बीमारी होती है तो बच्चों को भी बीमारी हो जाती ठीक है तो ये वाली बीमारी भी नहीं है खैर फोकस ये के बीमा जनरेशन स्किप हो रही है साफ सी बात है ये रिसेसिव बीमारी होगी अब दूसरा सवाल एक्सलिंग रिसेसिव है या ऑटोसोमल हमारे सिलेबस में हम जो अभी क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हो रिसेसिव एक्सलिंग का है बट एक्सलिंग है तो कैसे बाप बीमार है और बच्चे कोई भी बीमार नहीं हुए बाप बीमार है और बच्चों में कोई भी बीमार नहीं हुआ यार इसका मतलब है कि जो फादर था वो एक्सलिंग रिसेसिव था एक्सलिंग बीमारी वाली था कैसा था कि एक्सलिंग रिसेसिव उसको बीमारी थी और वो ऐसी थी कि उसका एक एक्स क्रोमोजोम बीमारी वाला था वायर नॉर्मल था और उसकी मदर यहाँ नॉर्मल थी तो जो उसने बीमारी पास की वो इस तरह पास की कि एक एक्स ये बीमारी वाला देता गया और माँ एक नॉर्मल तो इसने एक बीमारी वाला एक्स दिया सॉरी बेटे को तो ये वाई देगा और माँ बेटे को एक्स नॉर्मल देगी तो इसको बीमारी नहीं होगी अब और इस अब यहां देखते हैं ये जो फादर है एक बेटी को एक्स बीमारी वाला देगा और माँ इसको एक्स नॉर्मल देगी तो एक्स एक्सिंग रिसेसिव इसको भी नहीं होगी यहां देखो बाप वाई देगा और माँ एक्स नॉर्मल देगी तो इसको भी बीमारी नहीं होगी और यहाँ पर भी बाप इसको एक्स बीमारी वाला देगा और माँ नॉर्मल देगी तो इसको भी बीमारी नहीं होगी तो यानी कि एक्सिंग रिसेसिव है और आगे देखते हैं अब यहाँ पर माँ बाप नॉर्मल हैं लेकिन बेटों में बीमारी हो गई ये डोमिनेंट बीमारी तो नहीं हो सकती ना कि मैंने पहले कहा था कि डोमिनेंट बीमारी में माँ बाप का भी बीमार होना जरूरी है अगर डोमिनेंट बीमारी होगी तो माँ बाप भी बीमार होंगे इसलिए मैंने कहा रिसेसिव है जनरेशन पे स्किप कर रही है और यहां देखो कि बच्चा बीमार है माँ बाप नॉर्मल है ये निशानी होती है रिसेसिव की अब अगर ये बीमारी होती ऑटोसोमल रिसेसिव अगर ये बीमारी होती ऑटोसोमल रिसेसिव तो क्या होता कि जिसरा बाप बीमार था मां भी बीमार हो सकती थी बट यहाँ पर क्या हुआ कि माँ कैरियर थी माँ ने बेटे को बीमार कर दिया लेकिन बेटी नॉर्मल रही तो ये रिसेसिव रिसेसिव थी रीज़न इज़ दैट कि बीमारी बेटे में अक्सर चली जाती है बेटे में अक्सर चली जाती है इसका रीजन क्या होगा इसका रीजन ये बन सकता है कि यहां पर माँ जो है ना वो कैरियर है कैसे यहां देखो ना मैंने यहाँ क्या कहा था कि फादर ने एक्स एक दिया बीमारी वाला और माँ ने दिया एक नॉर्मल वाला इस बेटी को इस बेटी के पास कौन सा आ गया एक एक्स बीमारी वाला है बेटी के पास और एक्स एक्स है नॉर्मल वाला यहां बाप जो आया बाप कैसा था वो बाप बिल्कुल नॉर्मल था अब इनकी शादी हुई जो इनका बच्चा पैदा हुआ तो बेटा पैदा हुआ बेटा कैसा हुआ कि माँ ने बेटे को दे दिया एक्स बीमारी वाला और बाप ने दिया वाई तो एक्स बीमारी वाला माँ से आया बाप से वाई नॉर्मल आया तो बच्चा हो गया बीमार यही तो होता है एक्स एक्सैसिव में कि एक भी एक्स बीमार तो बच्चा लड़का बीमार लेकिन फिर जब बच उनकी बेटी पैदा हुई तो माँ ने ये एक्स बीमारी वाला दिया और फादर ने एक्स नॉर्मल दिया तो बेटी बीमार नहीं हुई तो यही हुआ ना सो ये एक्सलिंग रिसेसिव है इसका रीज़न क्या है इसका रीज़न सिंपल है कि बीमारी जो है फादर किसी को भी नहीं दे रहा फादर किसी को भी नहीं दे रहा हाँ अगर एक्सलिंग डोमिनेंट होती तो फादर अपने बेटे को जरूर दे सॉरी अपनी बेटी सारी बीमारियों को बीमार अपनी सारी बेटियों को देता है बीमारी अगर एक्सलिंग डोमिनेंट होती तो बाप जो है अपने सारी बेटियों को बीमारी दे, दे देता लेकिन एक्सलिंग रिसेसिव है तो बाप ने किसी भी बेटी को बीमारी नहीं दी अब ये सारे स्नियर बना के यहाँ चेक कर सकते हो और रिसेसिव का मतलब है कि जनरेशन देखो एक और जनरेशन स्किप जनरेशन स्किप हो रही है तो रिसेसिव की निशानी है इतने ही क्वेश्चन आते हैं इससे ज़्यादा डीप आपके आते नहीं हैं यहाँ देखो ये हम खैर ये तो आपके सिलेबस का ही पार्ट नहीं है जो तो मैंने समझाया है दरअसल उसका पार्ट नहीं है यहाँ चलो इसको डिस्कस करते हैं बाप बीमार है सबसे पहला सवाल डोमिनेंट है या रिसेसिव है क्या डोमिनेंट है या रिसेसिव है ओके लेट्स फोकस बाप है जनरेशन स्किप हुई नहीं तो यानी कि डोमिनेंट है जनरेशन स्किप नहीं हुई यानी कि डोमिनेंट ही है दूसरा सवाल क्या ये लिंक डोमिनेंट है या वायलिंग ऑटोसोमल डोमिनेंट है एक्स लिंक डोमिनेंट बीमारी बाप से सारी बेटियों में जाती है ठीक है अब यहाँ बाप दोबारा बीमार सारी बेटियों में चली गई यहीं पर आंसर खत्म हमारा कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट बीमारी है तो so स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो डू शेयर विद अदर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एम डीकेट के लिहाज से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो so, इन हम अगली वीडियो में मैं डोमिनेंट वाली जो ऑटोसोमल बीमारी हैं उनको डिस्कस करूंगा और डू वॉच नेक्स्ट पार्ट उसके बाद एक और वीडियो आएगी इनशाला जिसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यू कैन डी एम मी क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछना चाहें इन आई विल एक्सप्लेन यू और इनशाला मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूंगा फॉर माय इंस्टा अकाउंट यू कैन फॉलो मी इंस्टा और यू कैन कनेक्ट विद मी देयर ठीक है इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज